बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सिंगल करैक्टर इनपुट फंक्शंस जैसे कि गेट चार, गेट सीएच और गेट सीएचई की डिटेल्स आपसे शेयर की थी कि किस तरह इन तमाम फंक्शंस के थ्रू आप सिंगल करैक्टर को यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम अनफॉर्मेटेड सिंगल करैक्टर आउटपुट फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर एक सिंगल करैक्टर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सी आपको दो तरह के फंक्शंस प्रोवाइड करता है। नंबर वन इज पुट चार फंक्शन एंड नंबर टू इज पुट सी एच फंक्शन। दोस्तों आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। पुट चार फंक्शन, दोस्तों पुट चार के मानी है पुट करैक्टर। पर जब कभी भी आप सी लैंग्वेज में कंसोल विंडो पर कोई सिंगल करैक्टर पुट करवाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो पुट चार के फंक्शन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे उनमें आप किसी भी फंक्शन में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करवा रहे थे, यानी इस ब्रैकेट में आप कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन पुट चार फंक्शन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, यानी ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है इसमें वो करैक्टर देना लाजमी है जिसको आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, और वही करैक्टर कहलाएगा आर्गुमेंट इस पुट चार फंक्शन का। दोस्तों जैसे आप लिखते हैं पुट चार और आगे इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने कोई करैक्टर लिखा है, तो यहाँ जब ये पुट चार फंक्शन कॉल होगा तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि मेरे ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट क्या है और फिर उस आर्गुमेंट को स्क्रीन पर डाल देगा। यानी इससे हमें ये पता चला कि पुट चार फंक्शन के लिए आर्गुमेंट का होना बहुत जरूरी है, और वो आर्गुमेंट कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई करैक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं और वेरिएबल के अंदर कोई करैक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो याद रखिए वो करैक्टर हमेशा सिंगल कोट में होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप किसी कॉन्स्टेंट के अंदर कोई करैक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से सिंगल कोट्स में होना चाहिए। और अगर आप कोई कांस्टेंट दे रहे हैं, कोई करैक्टर नेम दे रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से सिंगल कोट में होना चाहिए। अगर आप डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका कंपाइलर आपको एरर देगा, क्योंकि पुट चार फंक्शन सिर्फ और सिर्फ करैक्टर को ही एक्सेप्ट करता है, सिंगल करैक्टर को एक्सेप्ट करता है। याद रखिए सिंगल करैक्टर को आप अगर मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उस करैक्टर पर सिंगल कोटेशन मार्क का होना जरूरी है। अब दोस्तों ये क्या करता है ये फंक्शन, ये गेट चार फंक्शन की तरह जो भी आप करैक्टर एज एन आर्गुमेंट देंगे उसको एज एन इंटीजर अपने पास स्टोर करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सी में तमाम करैक्टर्स की कोई ना कोई एस्की वैल्यू होती है जो कि इंटीजर टाइप होती है, तो ये दरअसल उस इंटीजर एस्की वैल्यू को अपने पास स्टोर करता है। और जब आप पुट चार फंक्शन में वो इंटीजर वैल्यू देते हैं तो पुट चार उस इंटीजर एस्की वैल्यू के बिहाफ पर जो करैक्टर होता है उसे स्क्रीन पर शो करवाता है। जैसे मान ले यहाँ पर आपको बहुत से करैक्टर्स नजर आ रहे हैं, अब अगर आप इन करैक्टर्स की डेसिमल वैल्यू को इस पुट चार फंक्शन में लिखेंगे तो ये इस डेसिमल वैल्यू के बिहाफ पर जो भी करैक्टर होगा उसको आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा। आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पुट चार फंक्शन है ये तीन तरह की वैल्यूज को एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो पहली वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है और खुद कोई करैक्टर भी हो सकता है। लेकिन ये क्या करेगा, ये सिंपली उस कांस्टेंट में मौजूद वैल्यू को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा, यानी उस कांस्टेंट में मौजूद करैक्टर को डिस्प्ले करवाएगा, उस वेरिएबल में मौजूद करैक्टर को डिस्प्ले करवाएगा, और खुद से भी किसी अगर करैक्टर को आप यहाँ पर लिख दें तो उसको भी डिस्प्ले करवा सकता है। यानी ये सिंगल करैक्टर को कंसोल विंडो पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। यहाँ पर हमने एक डायरेक्टिव बनाई है as defined directive, जिसके अंदर हमने एक constant name दिया है triangle का, और इस triangle के अंदर हमने assign कर दी है एक value t, यानी एक character t। अब हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस put char function के अंदर इस triangle constant को pass किया। अब क्या होगा दोस्तों, ये इस triangle constant को देखेगा और इसके अंदर मौजूद value को screen पर display करवा देगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर टी नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर मौजूद है वैल्यू टी, तो इसने यहाँ पर इस सिंगल करैक्टर को डिस्प्ले करवा दिया है, यानी इसने एक कांस्टेंट लिया है एज एन आर्गुमेंट
और उसको इसने स्क्रीन पर शो करवा दिया है। इसके दोस्तों कांस्टेंट के बाद आप पुटचार फंक्शन में किसी वेरिएबल को भी पास करवा सकते हैं, यानी पुटचार फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट आप किसी वेरिएबल को भी पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है सी एच, जो कि जिसकी टाइप है करेक्टर, क्योंकि याद रखिए पुटचार फंक्शन क्योंकि करेक्टर्स पर ही काम करता है, यानी ये करेक्टर सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इस सी एच वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है W, और क्योंकि ये सिंगल करेक्टर है तो याद रखिए सिंगल करेक्टर को अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल में तो उसके आगे आपको उस करेक्टर को आपको सिंगल कोट्स में देना लाजमी है। हमने यहाँ पर इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर W स्टोर करवा दिया है इस सी एच वेरिएबल में। और अब हमने इस पुट चार के फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवाया है इस सी एच वेरिएबल को। अब होगा क्या, ये सबसे पहले अपने आर्ग्यूमेंट को देखेगा, फिर इस आर्ग्यूमेंट में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पर इस तरह से। यहाँ पर क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये देखिए अब हमने इसको दोबारा सेव किया और ये देखिए दोस्तों इसने स्क्रीन पर आपको W शो करवा दिया है। तो इस तरीके से पुटचार फंक्शन के थ्रू पुटचार फंक्शन के अंदर आप किसी वेरिएबल को भी पास करवा सकते। दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि आप पुटचार फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट किसी वेरिएबल को भी पास करवा सकते हैं, किसी कांस्टेंट को भी पास करवा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आप किसी करेक्टर को भी आप पुटचार फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पुटचार का फंक्शन लिखा, उसके बाद इसके पैरेंथेसिस में एक करेक्टर दे दिया। तो याद रखिए करेक्टर के लिए आपको उस करेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क में देना लाजमी है। अब दोस्तों आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको ए लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए पुटचार फंक्शन जो है ये सिंगल करेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर गलती से या कोई आप एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एक करेक्टर लिख देते हैं, एक के बजाय दो करेक्टर लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, मान लें हमने यहाँ पर वन लिख दिया, वन लिखने के बाद हमने सिंगल कोटेशन लगाई और ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये आपको एक स्टेटमेंट लिख दी जिसके अंदर हम अब डबल करेक्टर्स जो हैं, यानी एक से ज्यादा करेक्टर्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो क्या पुटचार फंक्शन जो है इसको डिस्प्ले करेगा। आइए इसको कंपाइल करते हैं और दोस्तों ये देखिए इसने यहाँ पर जो है ये सिर्फ एक करेक्टर को ही डिस्प्ले किया है, विच इज द लास्ट वन, और आखिर में इसने आपको वार्निंग भी दी है कि मल्टी करेक्टर कॉन्स्टेंट, यानी ये जो आपका आपको ये वार्निंग दे रहा है कि आप मल्टी करेक्टर्स को एक साथ डिस्प्ले पुटचार फंक्शन के थ्रू नहीं करवा सकते, आप सिर्फ सिंगल करेक्टर को ही डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसने सिर्फ इस लास्ट वन वाले करेक्टर को एक्सेप्ट किया है और पहले वाले करेक्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा कि पुटचार फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने लिखा है पुटचार फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास करवाया है बैकस्लैश एन का। तो बैकस्लैश एन क्या है दोस्तों, अगर अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप बैकस्लैश एन लिखते हैं तो ये आपके कंसोल विंडो में एक न्यू लाइन लिख देता है। जैसे मान ले हमने लिखा है यहाँ पर पुटचार लिखा, उसके बाद हमने लिखा है ए, और ए के बाद हमने बैकस्लैश एन दे दिया, इसके बाद हमने दोबारा से लिखा है पुटचार इस तरह से, और अब हमने लिख दिया है बी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पहले आपका ए डिस्प्ले करवाएगा, उसके बाद बैकस्लैश एन क्या करेगा, ये एक इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान न्यू लाइन डाल देगा, यानी एक लाइन बीच में डाल देगा। वरना अगर आप ये बैकस्लैश एन नहीं लगाते, यानी न्यू लाइन नहीं देते, तो ये पहले ए प्रिंट करेगा और साथ ही के साथ बी भी प्रिंट कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बैकस्लैश एन को बताने का मकसद ये है कि ये जो बैकस्लैश एन आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको दो करेक्टर्स नजर आ रहे हैं, पहला है स्लैश का और दूसरा है एन का। तो क्या अब पुटचार फंक्शन इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये तो आपको दो करेक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो याद रखिए ये बैकस्लैश एन को एक ही करेक्टर अज्यूम करता है, क्योंकि ये इसके थ्रू सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, एक ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है, वो है कि ये न्यू लाइन लेकर आ जाता है इन दोनों करेक्टर्स के दरमियान, यानी जहां भी आप इसको लिखते हैं तो ये उस जगह पे एक नई लाइन को जो है एक नई लाइन की स्पेस छोड़ देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बैकस्लैश एन को जो है ये एक ही करेक्टर जो है ये अज्यूम करते हैं। अब आइए इसको रन करके देखते हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ए हमने लिखा है, ये आपको ए नजर आ रहा है, और इस
बैकस्लैश एन की वजह से ये जो बी है ये आपको नेक्स्ट लाइन में नजर आ रहा है। तो जब कभी भी आप इस तरह से चाहते हैं कि आपका हर एक करेक्टर एक न्यू लाइन में आपको शो हो, तो आप हर एक करेक्टर से पहले अगर बैकस्लैश एन लगा देंगे, बैकस्लैश एन को प्रिंट करवा देंगे, तो यहाँ पर आपको न्यू लाइन शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो बैकस्लैश एन है ये पुट चार फंक्शन के थ्रू आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर अज्यूम करेंगे, आपका कंपाइलर इसको दो करेक्टर अज्यूम नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ तक यकीनन आपको पुट चार फंक्शन समझ आ गया होगा। अब आइए थोड़ी सी मुश्किल बात करते हैं। दोस्तों पुट चार फंक्शन जो है ये सिंपल क्या करता है, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट पास किया होता है, जो भी आपने सिंगल करेक्टर पास किया होता है, उसको स्क्रीन पर शो करवा देता है। अब वो कोई वेरिएबल भी आप पास करवा सकते हैं, लेकिन उस वेरिएबल में आप क्या स्टोर करवाएंगे, कोई सिंगल करेक्टर। इसी तरीके से आप कोई कॉन्स्टेंट भी पास करवा सकते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टेंट में आप क्या स्टोर करवाएंगे, एक सिंगल करेक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर टाइप करेक्टर लिया है और उस करेक्टर में हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 65। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये पुटचार फंक्शन क्या करता है, जो भी आप करेक्टर इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ये उसकी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। यानी दोस्तों याद रखिए, आप कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसकी उस कीबोर्ड पर मौजूद उस करेक्टर को इनपुट नहीं लेता, बल्कि उस करेक्टर के पीछे जो उसकी डेसिमल वैल्यू होती है, जो उसकी ASCII वैल्यू होती है, दरअसल उसको ये स्टोर करता है और फिर उस वैल्यू को ये बाइनरी में चेंज करता है, बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के बाद मेमोरी में स्टोर करता है। तो दोस्तों चाहे आप कोई करेक्टर दें या कोई इंटीजर दें, तो दोनों ही कंप्यूटर में तो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होंगे। तो अगर आप यहाँ पर पुटचार फंक्शन के अंदर कोई करेक्टर देते हैं, तो ये करेक्टर को भी दरअसल उसकी उस करेक्टर के बिहाफ पर जो उसकी ASCII में इंटीजर वैल्यू होती है, जो डेसिमल वैल्यू होती है, उसमें स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमने इस करेक्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है 65 और इस CH वेरिएबल को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो अब ये पुटचार फंक्शन क्या करेगा, इस CH में पड़ी इंटीजर वैल्यू को स्टोर तो कर लेगा, लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा वो करेक्टर जो कि इस इंटीजर वैल्यू के बिहाफ पर मौजूद होगा। जैसे कि अभी हमने ASCII टेबल में भी देखा था कि हर करेक्टर की कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू थी, कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू थी। तो दरअसल जिस भी करेक्टर की ये डेसिमल वैल्यू होगी, ये उस करेक्टर को आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा। तो दोस्तों आइए इसको प्रिंट करवाते हैं और चेक करते हैं कि किस करेक्टर की जो है ये डेसिमल वैल्यू है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने प्रिंट करवाया है ए, विच मीन्स कि जब आप ए लिखते हैं तो दरअसल कंप्यूटर में स्टोर होती है वैल्यू 65 और फिर कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और पुट चार फंक्शन भी क्या करता है, ये किसी भी करेक्टर को जो भी आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसकी उस करेक्टर की जो इंटीजर वैल्यू होती है, उसको अपने पास स्टोर करवाता है। इस तरीके से ये पुट चार फंक्शन काम करता है। तो दोस्तों पुट चार फंक्शन आपको यकीनन समझ आ गया होगा। और पुट चार फंक्शन के बाद आता है पुट CH फंक्शन। दोस्तों पुट चार और पुट CH दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, यानी सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन पुट चार क्योंकि एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, इसीलिए उसको अपने प्रोग्राम में, यानी पुट चार फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको stdio.h लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है, उसको अपने प्रोग्राम में ऐड करना आपके लिए जरूरी होता है। लेकिन पुट CH एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन नहीं है, इसके लिए आपको किसी किस्म की कोई stdio.h लाइब्रेरी को ऐड करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको conio.h लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करवाना जरूरी है, क्योंकि इस फंक्शन की तमाम डिटेल्स इसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती हैं। और दोस्तों इसमें एक और मेन डिफरेंस ये है कि पुटचार फंक्शन प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल दोनों तरह के करेक्टर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे अगर आप ASCII टेबल देखें, तो ये जो आपको तमाम खाली प्लेसेस नजर आ रही हैं, तो ये कहलाती हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स। तो जो पुटचार फंक्शन है, ये इन नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स को भी डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आप पुट CH फंक्शन के थ्रू इन करेक्टर्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि पुट CH सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर को ही डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों आइए आपको इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, तो इस प्रोग्राम में हमने पुटचार फंक्शन को यूज किया है।
लेकिन पुटचार फंक्शन क्योंकि एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है तो उसके लिए stdio.h लाइब्रेरी को ऐड करवाना जरूरी है, लेकिन putch जो है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन नहीं है, तो आप इसके लिए आपको इसके लिए stdio.h को इंक्लूड करवाना जरूरी नहीं है, बल्कि आप conio.h यानी conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, क्योंकि इस फंक्शन की तमाम डिटेल्स conio.h में डिफाइन होती है। अब दोस्तों हम इस putchar फंक्शन को यहाँ से हटा के सिर्फ putch लिख देते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने भी जो है इस फंक्शन के भी थ्रू यहाँ पर a डिस्प्ले हुआ है, विच मीन्स कि putchar फंक्शन और putch फंक्शन जो है वो बिल्कुल एक तरह से काम करते हैं। जो काम putchar कर रहा होता है वही putch भी करता है, बस डिफरेंस ये है कि putchar फंक्शन जो है एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, जबकि putch फंक्शन जो है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे प्रोग्राम्स देखें उसके अंदर भी अगर हम यहाँ पर putch कर देते हैं तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करेगा, वही रिजल्ट डिस्प्ले करेगा जो putchar फंक्शन के थ्रू हो रहा था। तो दोस्तों ये था putch और putchar फंक्शन जो कि सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, यानी अभी तक जो हमने फंक्शंस देखे चाहे वो getch हो, getchr हो, इसी तरीके से getche हो, इस तरह putch हो या putchr हो, तो ये तमाम फंक्शंस जो थे ये सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किए जा रहे थे। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें मल्टीपल करेक्टर्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है। मान लीजिए आपको अपना नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई इनपुट आउटपुट फंक्शंस चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम उन फंक्शंस का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।